नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल आराध्य आरएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जेल प्रहरी का मॉडल पेपर नंबर 7 है, भाग बैक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर 30 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर भाग बैक के क्वेश्चन अपलोड करो, भाग बै हार्ड आता है, तो उसके हिसाब से भाग बैक के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है? तो देखो, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चारों ऑप्शन आपके पास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे लक्षद्वीप है, ये केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। दमन एवं दीव है और दादर नागर हवेली है, ये दोनों मिलके मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई? गांधी इरविन संधि कब पारित की दोस्तों? तो इसका दो ऑप्शन देख लो, 1931, 1919, 1927, 1921। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1931। कितना? 1931। दोस्तों, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन में कृष्णामूर्ति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वोयलेट अलवा और लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते इस अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति भी रहे थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है दोस्तों ये बात? तो इसका जो ऑप्शन देख लो, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 77। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 79। कितना? अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, भारत में वेदाथांगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वेदाथांगल पक्षी विहार दोस्तों? ऑप्शन में है गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन सा था? ये बताना है दोस्तों कि महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी गुप्त शासकों में से? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और कुरुगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, जो ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे और इनका कार्यकाल था वो 1319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दक्षिण एशियन फेडरेशन SAF खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे SAF खेल? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
काठमांडू में, कहाँ पर है, काठमांडू में दक्षिणी एशियाई खेल यानी कि सेफ खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रथम अधिकृत क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो कब खेला गया था प्रथम अधिकृत क्रिकेट टेस्ट मैच, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1877 में। कब खेला गया था, 1877 में। दोस्तों मैं तारीख बता देता हूँ आपको, 15 मार्च से 19 मार्च तक 1877 में आसिया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था दोस्तों पहला क्रिकेट टेस्ट मैच। नेक्स्ट है, और हाल ही में 15 मार्च 2017 को लगभग 140 वर्ष पूरे कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, तो कौन सी थी दोस्तों वो पंचवर्षीय योजना, तो देखो ऑप्शन में है 6ठी 8वीं 5वीं 11वीं, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी दोस्तों, तो ये 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है ना, 2007 से 2012 तक थी। उस समय जो गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी पंचवर्षीय योजना। इसका जो मुख्य विषय था वो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, इसका मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, देखो चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मुंबई। कौन सा, मुंबई जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, देखो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन शानदार है, भारतीय रेल ने गाड़ियों को मार्ग निर्देशन करने के लिए एक प्रणाली का प्रयोग करना आरंभ किया है जिसे गगन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान ने गगन को विकसित किया है, तो गाड़ियों को मार्गदर्शन करने के लिए एक गगन नाम का एक प्रणाली स्टार्ट की है, तो ये गगन है ये इसको बनाया किसने है ये बताना है अपन को, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसरो ने इसको बनाया है। किसने, इसरो ने बनाया है इसको। नेक्स्ट है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को बार बार कॉपी करते हुए कंप्यूटर को क्रैश कर देता है, तो दोस्तों कौन सा प्रोग्राम है वो बताना है अपन को, तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा वर्म। क्या हो जाएगा, वर्म। वर्म एक प्रोग्राम है जो अपनी अधिक से अधिक प्रतिलिपियां तैयार करता है, और यह रैम या हार्ड डिस्क स्पेस निकलकर आगे बढ़ता है जो कंप्यूटर को क्रैश कर देता है, ठीक है ना, जितनी जितनी रैम और हार्ड डिस्क होती है उसके भी बाहर चला जाता है और इससे कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस से चूने का पानी दूध या रंग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि किस गैस से चूने का पानी दूध या रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो अपने पास ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसको चूने का पानी भी अपन बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, चूने का पानी। इसका सूत्र है CaOH और फिर ब्रैकेट फिर नीचे क्यूब स्क्वायर, दोस्तों ये हो जाएगा 2 CaOH 2, ये इसका सूत्र हो जाएगा चूने का पानी का, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में विलंब होता है, तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, ये बताना है अपन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी अपॉन सिक्स। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण लगभग 1.625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं 2.62 किमी पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा G/6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी में अत्यधिक घुलनशील होती है? तो पानी में अत्यधिक घुलनशील कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो इसका देखो सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। न केवल जल में विलय है बल्कि अन्य गैसों की तुलना में जल में अधिक विलय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान। दोस्तों खिलाफत आंदोलन है वो 1919 से लेकर 1922 तक चला था दोस्तों, और 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो भारत के वायसराय थे, और ये खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा को पद से हटा दिया था और उसके समर्थन में यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरपालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में नगरपालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा राज्य सरकार। क्या? राज्य सरकार इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, सुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तो सुलुव राजवंश है उसकी स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी राजवंश की स्थापना है वो नरसिम्हा देव ने की थी। नरसिम्हा देव ने कब की थी? 1485 में। 1485 में नरसिंह महादेव ने की थी 1485 ईस्वी में। ये सुलुव वंश के प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो दोस्तों मैसूर। कहाँ पर? मैसूर। मैसूर में स्थित है दोस्तों, और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। क्या पड़ता है? कर्नाटक में। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर्नाटक के चामराजानगर जिले में है। यह एक समय मैसूर राज्य के महाराजा के लिए आरक्षित निजी आखेट स्थल था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो सर्वोच्च प्राथमिकता पंचवर्षीय योजना के अंदर दी गई थी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसको? बंदरगाहों को। किसको? बंदरगाहों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। सॉरी, बंदरगाहों को नहीं, प्रथम योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए खाद्यान्न संकट को निपटने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। किसको? बंदरगाह नहीं आएगा दोस्तों, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है प्रसंस्करण केंद्र? तो दोस्तों राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये बताना है अपन को दोस्तों। तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये बताना है, बैडमिंटन, फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी है वो, तो दोस्तों उस योजना का नाम बताना है कि वो योजना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहज योजना। कौन सी? सहज योजना। ये कब प्रारंभ हुई थी? 30 अगस्त 2015 को ये प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित भारतीय अनुसंधान संस्थाओं में से किसने हाल ही में स्वच्छ पटल शोध के उपचार के लिए दवाई को विकसित किया है, तो दोस्तों किसने किया है ये बताना है, एम्स ने किया है या आईसीएमआर ने किया है, सीसीएमबी ने किया है या निन ने किया है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसीएमबी। इसका पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर सेकुलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है, तो धोने के सोडे के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। चौथा दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा, जिसको धोने के नाम से भी अपन धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा एक पदार्थ बहुलक नहीं है, तो कौन सा एक पदार्थ है वो बहुलक नहीं है ये बताना है अपन को। तो दोस्तों जिसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ आपको, जो यूरिया है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एक विशाल अणु का बहुदारणु है, ठीक है, जो बार बार दोहराई नहीं गई, उप इकाइयों से निर्मित होता है ये, ठीक है। तो मतलब ये कुल मिला के ये याद रख लेना कि यूरिया है ये बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है, इसको पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों बहुलक को। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, तो किस विटामिन का है दोस्तों, तो ये सबको पता होगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी का नाम है वो एस्कार्बिक अम्ल है। अगला है, रक्त चूसने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो रक्त चूसने वाले जो जानवर है उनको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों रुधिरा आहारी। क्या कहा जाता है? रुधिरा आहारी कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे कौन कौन से हैं रक्त चूसने वाले, तो चमगादड़, जोंक, कीट के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। तो ये हो गया आज के अपने राजस्थान जेल प्रहरी के भाग बै के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हो ये दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, कि फिर मैं आगे इससे भी अच्छा मॉडल पेपर लेके आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।